तेलंगाना में बीजेपी के नेता टी राजा के विवादित बयान की निलंबन खत्म करने के बाद पहले तो टी राजा को टिकट थमा दिया गया और टिकट मिलते ही टी राजा ने अपनी आदत के अनुसार विवादित बयान दे दिया। दरअसल टी राजा ने कहा है कि हैदराबाद में भी हमास समर्थित आतंकवादी हैं। टी राजा के बयान के बाद विवाद वहां गर्माने लगा है। इसराइल के साथ जैसे क्रिकेट में टाइमिंग सटीक बैठती है तो बॉल खुद ब खुद बल्ले पर आती है, वैसे ही टाइमिंग राजनीति की भी मौके के हिसाब से मुद्दे ले आती है और मुद्दा आते ही बयानबाजी तेज हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा सिंह के साथ। दो दिन पहले पार्टी से निलंबन वापस हुआ, अगले दिन विधानसभा का टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद ही उनके विधानसभा क्षेत्र में ये वीडियो वायरल हो गया। अब मामला इजराइल हमास से जुड़ा है, धर्म वाली सियासत का पूरा तड़का है, तो टी राजा सिंह ने भी इस टाइमिंग का पूरा फायदा उठाया, हमास का समर्थन करने वालों को फिर से चेताया। इजराइल के झंडे को और अमेरिका के झंडे को, फ्लैग्स को अपनी सीढ़ियों पर लगाकर खुंदलने का काम किया है, तो मैं तेलंगाना राज्य के DGP से निवेदन करना चाहूंगा कि इमीडिएट पहले वो जो पोस्टरों को जो लगाया गया है दुकानों के नीचे, उसको तुरंत रिमूव किया जाए, निकाला जाए। अगर नहीं निकालने की सूरत पर हम हर दुकान के ऊपर आई सपोर्ट इसराइल उस प्रकार के हम फ्लैक्स लगाएंगे, और जो लोग हमास के समर्थक है, जो हमास के समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे, उन पर एक्शन लिया जाए। यूं तो इसराइल हमास का युद्ध शुरू होने के बाद ही टी राजा सिंह ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, रैली के बीच इसराइल का झंडा भी लहरा दिया था। और इस रैली में टी राजा सिंह ने ऐसी बयानबाजी की थी जो बता रहा था कि तेलंगाना में चुनाव जारी है, वोटों के लिए ध्रुवीकरण की पूरी तैयारी है। मैं हमारी महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने उस अफजल खान की खबर को तोड़ फोड़ के नामों निशान मिटा दिया, उसी प्रकार से संभाजी नगर में भी एक खबर उपस्थित है, बनाना है। टी राजा सिंह की पहचान उनके भड़काऊ बयानों से है, यही वजह है कि निलंबन खत्म होने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसे चुनावी राजनीति से जुड़ा बता रही है।